मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑल अपोर्ट। दिस इज आदित्य, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस। क्लियरली आवाज आ रही है मेरी, साउंड क्लियर है सारे लोगों को? चेक कर लीजिए पहले क्विकली एंड देन वी कैन स्टार्ट द सेशन इमीडिएटली। सो आज का डिस्कशन रहेगा 26th एंड 27th के नवंबर के करंट अफेयर्स के ऊपर। वी आर ऑल्सो गोइंग टू रिवाइज द एमसीक्यूज ऑफ यस्टरडे। तो जो भी न्यूज हमने डिस्कस करी थी 25th को, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन आज हमारा रहेगा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। 26th-27th का करंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे अभी सेशन में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विद द मॉर्निंग मोटिवेशन। चैट बॉक्स इज वर्किंग फाइन, सही चल रहा है सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं आता हूं सुबह सुबह, ये देखता हूं कि मतलब क्या बढ़िया सुबह 5:30 से प्यार मोहब्बत की बातें चलती है। सो दीज पीपल्स आर मोर डेडिकेटेड कंपेयर टू द एस्पिरेंट्स नाउ अडेज, आई थिंक, राइट? थोड़ा सा ये वाला डेडिकेशन जरूरी है स्टडीज के लिए, सो वी कैन अचीव द गोल्स एज क्विक एज पॉसिबल। मोटिवेशन इज व्हाट यू गेट, इज व्हाट यू गेट यू स्टार्टेड, बट हैबिट इज व्हाट कीप यू ऑन कंटिन्यूअस गोइंग। क्या मीनिंग क्या है ये? देखो कोई भी चीज होती है, कभी आपको पता चलता है दैट दिस पर्सन बिलोंग्स टू दिस बैकग्राउंड एंड नाउ बिकेम अ बिग ऑफिसर इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। If you are targeting banking, insurance or financial sector examination, तो कहीं ना कहीं से एक motivation मिलता है। Why do we watch the motivational videos on the YouTube, especially from the current bankers or recently selected bankers, their journey, just to get a little bit motivation. But that motivation, by that motivation, you can start preparing. But that preparation will be informed by a habit. You have to make, you have to accept it. That these preparation things should come in your daily habit. मतलब ये जो daily current affairs है, मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ा challenge है students का। I get the message nowadays SBI PO के लिए आप 10 days में क्या करवा रहे हैं सर? सर SBI PO के लिए आप 15 days में क्या करवाया आपने? मतलब students are so aggressive nowadays की सर आप बताइए आप session कब लेंगे? Reason है ना, because they have not studied at all for the general awareness. From the beginning, from the starting, and now if accidentally they clear the pre-examination because the focus was completely on maths, reasoning and English, now they are worried about general awareness. Ki bhai GA mein at least 10 marks aa rahe. To wo wali situation I don't think you guys should see in your preparation, because you should cover the current affairs on a daily basis, a regular basis, right? Chaliye, to chalte hain session mein aage. Aaj gyan ki baatein bahut ho gayi, ab kar lete hain थोड़ा सा बातें कंटेंट की। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर वन। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर सेड द पायरेसी लॉसेस इंडिया टू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री टू अराउंड 20,000 करोड़ रुपीज। 20,000 करोड़ का लॉस होता है इंडियन इंडस्ट्री को बिकॉज ऑफ द पायरेसी। गवर्नमेंट इज वर्किंग ओवर इट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मूवी इंडस्ट्री एंड द पीपल एसोसिएटेड विद दिस। सेकेंड क्वेश्चन वॉज Bureau of Indian Standards, that is BIS, recently hosted G20 Standard Dialogue 2023. It was conducted in which city? First of all, it was conducted in New Delhi. कहाँ पर हुआ था? भारत मंडपम, same place G20 के लिए जो बना venue. And its theme was Zero Defect, Zero Effect. Zero Defect, Zero Effect was the theme. ये था आपका question number second. Third था, India has registered significant growth in export of mangoes. In the first 5 months, India exported the mangoes of around $47 million. So, very big achievement for the India. Which country is going to host world largest textile event in 2024? Answer is India. It will be hosted in New Delhi. Name will be Bharat Tex. Bharat Tex 24. तो भारत टेक्स 24 इंडिया होस्ट करने वाला है। 2024 में होस्ट होगा, न्यू दिल्ली होगा, तो 99% भारत मंडपम में ही होगा। तो ये हो गए हमारे पास पॉइंट। अब देख लेते हैं हु वर द टीएनए हीरोज। आई हैव गिवन द आंसर प्रॉपरली एंड लेट्स सी द नेम ऑफ देम। सो दिव्या ठाकुर जी, अभी सिद्धार्थ, संदीप, पायल, अवनी, प्रशांत, वेरी गुड गाइस, मुरली, आशीष, नितिन, परफेक्ट। नितिन, Daksh batch is still worth because the classes in the Daksh batch you will be able to see till March 2024. So, this session aapke March 2024 tak chalenge and you have 24 tak chalenge and we have already covered the data
फ्रॉम मार्च 23 टिल मार्च 24 इन दिस बैच, और बैंकिंग अवेयरनेस भी आपका पूरा है, तो अभी भी बैच वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ओनली फॉर जनरल अवेयरनेस, ओनली फॉर जीए, अदरवाइज सुपर एलिट इज ऑलवेज गुड। सो ममता जी, रिया, नेचर, सोनू, सोनू, मीना, हर्षा एंड पवन, परफेक्ट आंसर गई। ये वाला मैं करवा दूंगा एसबीआई न्यूज, आरबीआई न्यूज, दैट वी वो मैं इवेंट आज क्रिएट करवा दूंगा, सैटरडे मॉर्निंग एंड संडे मॉर्निंग विल कंप्लीट इट। चलिए होमवर्क के क्वेश्चन देख लेते हैं कल के लिए, फिर से ले रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोज हु हैव जॉइंड अस जस्ट नाउ, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर वन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैव जॉइंड हैंड टू फाइनलाइज अ एमओयू एम्ड ऑफ एस्टेब्लिशिंग IAIFF फीफा टैलेंट एकेडमी इनसाइड द स्टेट। किस राज्य के अंदर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा एकेडमी स्टार्ट करने जा रहा है? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर वन। सेकेंड है, विच कंट्री एंड इंडिया हैव साइंड एमओयू विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग ओवर द डायनेमिक स्टार्टअप इकोसिस्टम पर्टिकुलरली इन द क्रूशियल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। सेकेंड क्वेश्चन है एमओयू वाला, दोनों एमओयू के, फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड वाला भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DNLNRLM स्कीम साइंड एमओयू विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर टू टर्न इन टू एंटरप्रेनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वन, फोर्थ वन, विच स्टेट एंड तहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया साइंड एमओयू ऑन 9th of November फॉर द एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस हाइड्रो सोलर पम्प्ड हाउस प्रोजेक्ट अमाउंटिंग अराउंड 15,000 करोड़ रुपए। तो चार क्वेश्चन है, चारों के चारों एमओयू कैटेगरी से, अगर आप देखोगे ऑल फोर क्वेश्चन बिलोंग्स टू एमओयू कैटेगरी। ठीक है, आज मैं टीएनए स्पेशल में देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट इमर्जिंग टॉपिक विच और बर्निंग टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर, एंड दिस टॉपिक इज गोइंग टू एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर सिडबी ग्रेड इंटरव्यू, योर आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू, एन आईएससीएल इंटरव्यू, एनी अदर इंटरव्यू विच यू आर टारगेटिंग इन द अपकमिंग फ्यू डेज, इंक्लूडिंग SBIPO GD एंड इंटरव्यू। SBIPO में GD का टॉपिक भी हो सकता है आपका, वॉट इज द हाउ टू डील विद द डार्क पैटर्न इन द डिजिटल लोन, डार्क पैटर्न डिजिटल लोन, ये आपका GD का टॉपिक बन जाएगा SBIPO के लिए। ठीक है, सो वॉट इज डार्क पैटर्न एंड हाउ RBI इज कंट्रोलिंग द डार्क पैटर्न इन द डिजिटल लोन, इसके ऊपर बात करेंगे आज के सेशन में, बट आफ्टर द MCQs, व्हेन आई विल स्टार्ट द सेशन प्रॉपरली आफ्टर MCQs उसमें डिस्कशन रहेगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर वन। कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑन द इंडियन स्टेट्स 2023। रिपीट कर रहा हूं, आपको निकालने हैं करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट 2022-23। द रिपोर्ट वॉज इश्यूज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकेंड है, इट वॉज द 8th एडिशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स पब्लिकेशन टाइटल्ड हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑन द इंडियन स्टेट 2022-23। दिस रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन 4 इंडिकेटर्स, 4 इंडिकेटर्स इन्वॉल्व है रिपोर्ट में, आपको निकालने करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर, गाइस क्विक आंसर्स, इश्यूज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेरी गुड साक्षी, रिया, ऑप्शन बी मधुरिमा, बी रेजर है 2 and 3, नवीन 2, 3, इश्यूज बाय RBI, वेरी गुड। चलो करेक्ट आंसर स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया यहां पर रॉन्ग। व्हाई? द रिपोर्ट वॉज इश्यूज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI ने इश्यू किया है रिपोर्ट को, करेक्ट है, 8th एडिशन था, ये भी करेक्ट है, 4 इंडिकेटर्स थे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दैट 4 इंडिकेटर्स वर सोशल एंड डेमोग्राफिक इंडिकेटर, सेकेंड था आपके पास हेल्थ, थर्ड एनवायरमेंट, फोर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, L&T फाइनेंस हैज साइंड फाइनेंसिंग पैक्ट विद ADB, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन टू सपोर्ट द फाइनेंसिंग इन रूरल पेरी अर्बन एरियाज इन इंडिया, पर्टिकुलरली फॉर द वुमेन बोरोअर्स। तो वुमेन बोरोअर्स के लिए रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में अभी रिसेंटली लोन प्रोवाइड करने के लिए ADB ने सपोर्ट किया, किसको? L&T फाइनेंस को। कितने लोन अमाउंट का सपोर्ट है ये? इट इज अ टाइप ऑफ लोन ओनली फॉर द L&T, सो इट इज अराउंड $125 मिलियन, $125 मिलियन का लोन अमाउंट। आंसर आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, विच इज अ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन मनीला फिलीपींस,
formed in the year 1966. Total number of members are 68. At present, Masat Saghua Sakavasar is the president. Mr. Ashok Lavasa replaced by Bhargav Das Gupta on the position of VP. Question bilkul pakka exam ke liye. Tikoi Kunishi is the country director. That is the director of ADB for India, country director. Samir Kumar Khare is the executive director of ADB. Aage aate HSBC India and UK. HSBC India and UK Export Finance intend to establish the financing program of 100 million pound to support which sector in India for financing their import from UK. Bharat ke kis sector ko support karne ja raha HSBC with UK Export Finance. To UK se import karne ke liye India इस पर्टिकुलर सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म ऑफ फाइनेंस की पैसा हमसे लो इंपोर्ट करो यूके से नो प्रॉब्लम. सो विच सेक्टर इज दैट? दैट सेक्टर इज एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और एमओयू साइन हुआ है बिटवीन एचएसबीसी इंडिया एंड यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस के बीच में सपोर्टिंग अराउंड 100 मिलियन पाउंड. नेक्स्ट है इंडिया हैज डोनेटेड हाउ मच अमाउंट ऑफ फंड to United Nation Agency for the Philistine Refugees, promoting UNRWA to welcome the generous contribution at the difficult time. अभी देखो यार वो गाजा और जो इसराइल है वॉर आप सुन रहे हैं उसमें फिलिस्तीन जो refugees हैं they are struggling a lot. So for that purpose, India supported with the amount of $2.5 million. So $2.5 million. It is a donation from the side of India, not loan. India ने भी recently इसको donate किया इस amount को. So United Nation Relief Work Agency for the Philistine Refugees, founded in the year 1915, they are supporting it from the long time. Next है आपके पास Luke Fitzgerald has officially sworn as the Prime Minister of which of the following country along with the members of न्यू सी वी एस डी पी गवर्नमेंट. अभी हाल ही में ल्यूक फिटरेन किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के फॉर्म में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है. ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन. द ऑप्शंस आर लक्जमबर्ग, स्लोवेकिया, पोलैंड, रोमानिया, अल्बानिया. सो करेक्ट आंसर है आपके पास लक्जमबर्ग इज द करेक्ट आंसर. कैपिटल है लक्जमबर्ग, करेंसी इज यूरो. वन मोर रीसेंट अपॉइंटमेंट स्लोवेकिया recently appointed Robert Fico as the Prime Minister. So Mr. Robert Fico appointed as the Prime Minister of Slovakia. तो ये भी एक और recent appointment है, बहुत recent. तो दोनों हमको याद रखना है that Luke Fitzgerald of Luxembourg and Robert Fico of Slovakia. Point clear है यहां तक के? Answers आ रहे हैं सारे लोगों के लिए. बहुत कम बच्चे answer कर रहे हैं लेकिन मतलब 10% students के भी answer chatbox तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. Guys be active. सुबह उठकर ऐसा नहीं है कि बस टीएनए देख लेना है फोन पे लगा कर कि यार लेटा रहूंगा मैं सुनाई आता रहेगा सर की आवाज बस देखता रहूंगा. जरूरी नहीं कंटेंट देखो स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट होता है. योर ऑल द सेंसेस आर वर्किंग स्ट्रांगली व्हेन यू सी अ कंटेंट व्हेन यू लिसन अ कंटेंट एंड यू रिवाइज इट बाय योर ओन. तो सारे सेंसेस एक साथ काम करते हैं एंड इट गिव यू वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट टू रिमेंबर द करंट अफेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री प्रपोज्ड ड्राफ्ट ऑफ नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023. दिस प्रपोजल और दिस बिल इज गोइंग टू मेक अमेंडमेंट. अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस इन विच बिल. तो किस बिल में ये चेंजेस करने जा रहा है? दैट इज नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल ऑफ विच ईयर. सो करेक्ट आंसर है द इनिशियल बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1948. So Act of 1948 will be amended, will be changed by the National Pharmacy Commission Bill of 2023. And it is going to boost the pharmacy education in India. So India mein jo pharmacy quality education hai, usko increase karne ke liye is bill ko introduce kiya ja raha hai. Next hai, Commerce Ministry ink MOU with which company to leverage district as the export hub initiative. I think last question hoga. और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए. क्विक आंसर लगाइएगा फटाफट से. आंसर्स के स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिए प्लीज क्विकली. कॉमर्स मिनिस्ट्री इंक एमओयू विद विच कंपनी. करेक्ट आंसर है अमेज़न टू लेवरेज द डिस्ट्रिक्ट एज अ एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव. दैट 20 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट फॉर द एमएसएमई विल बी ट्रेन्ड बाय द अमेज़न फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ एमएसएमई टू द डिफरेंट नेशन. कि कैसे करना है सप्लाई चेन कैसे क्रिएट करना है उन सारी चीजों के लिए.
एमेजॉन इन न्यूज, ये मैंने मैंने आपको सैटरडे को भी रिवाइज करवाया था, क्विकली अभी करवा देता हूं. सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिसेंटली कोलाबरेटेड विद एमेजॉन फॉर सेटिंग अप द ट्रेनिंग इन 20 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडिया. एमेजॉन इन्वेस्टिंग अराउंड 4 बिलियन इन एंथ्रोपिक विच इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप, AI स्टार्टअप है इस कंपनी में, इन्वेस्ट कर रहा है अराउंड $4 बिलियन. आफ्टर दैट MOU has been signed between Amazon and Inland Water Authority of India for the purpose of using waterway as a primary source, primary medium of transportation. Waterway ko use kiya jayega, that is National Waterway 1. Amazon Web Services signed MOU with Indian Space Research Organization and Indian National Space Promotion Authorization, that is called INSPACE, for supporting the startup working in the space category. Amazon India signed MOU with 5 state government to encourage the disabled people by giving them training to employ them by the year 2026. These 5 states are Haryana, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. Amazon signed MOU with the Indian Postal Services and Indian Railways for the dedicated freight corridor that will help Amazon to do the delivery or improve the delivery system of Amazon. So, ye the kuch point aapke related to Amazon. Remaining you can read from the PDF. PDF will be available in the Telegram group. Simple hai, dhoondna aapke liye. Simply Telegram par jaakar search kariye GA Genius by Aditya sir. So, GA Genius is the name of the Telegram group. MCQs over ho gaye, move karenge session ke upar. Before that, important information. Winterfest 1.5 validity plus 30% off on the banking subscription. Correct time to go for the Super Elite by using the code Aditya, ADITY Aditya. Aditya code will be able to provide you maximum possible discount on the All About platform. Baki code par 5% ka kami aa jata hai, code Aditya will give you maximum possible discount. Like IBPSP interview batch, if anyone is joining this batch, on the other code they are getting 40% discount. While code Aditya provide them 45% discount. So 45% additional 5% ka discount milta hai. That is the benefit for you guys on all the mentorship program, interview batches and super elite. So SIDBI grade A batch is also live. Ek important cheez hai. SIDBI grade A ke form ka last date hai 28th. So fill the form before that. Time per form fill kar lijiye, those who are eligible for it. Maine already eligibility ke upar video dala hua hai. There is no written examination in SIDBI. Directly with the support of GD and interview, you will be able to get the job in SIDBI grade A. Bahut hi badhiya job hai. Compared to, even I am comparing with the SBIPO grade A is a better option. SIDBI ka grade A hamesha better option hai. To acche se isko dekh lijiye, last date hai. Form fill kar dijiyega. Maine kal bhi iske upar ek video dala hua tha. This is our Telegram group by which if you want to connect with me, you can connect with me. You can also connect with me directly with the support of Aditya Star OB. This is my Telegram ID, personal Telegram ID. Aate news par. News mein, main pehle start karunga kuch MCQs se hi again. But that is relevant to news of yesterday and today. Question number one. Constitution Day is celebrated on 26th of November. Ye interview wale bachchon ke liye bhi kaafi important hai. What is the importance of 26th of November recently? It is a day of national importance. Are you aware about it? So 26th of November every year celebrated in the form of Constitution Day of India. It is parallelly important or as important as we are celebrating in Independence Day or Republic Day. Constitution Day bhi utna hi important hai. But uska shor utna zyada nahi hota. That is why we are not aware about it. So 26th of November every year celebrated in the form of Constitution Day. In which year the government of India decided to celebrate 26th of November every year as the Constitution Day? Kis varsh mein shuruaat ki gayi ki ise Constitution Day ke form mein hum celebrate karenge? Theek hai Nitin, main kar dunga bhai Nitin, don't worry, abhi kar dunga. Theek hai, class ke baad karta hu main. Iska answer batao yaar, kab decide hua ki 26th of November ko Constitution Day के form में celebrate किया जाएगा, काफी important है. In which year it is decided? So correct answer है 2015. In the year 2015, current government, Modi government decided that we will give the importance to 26th of November as well
एंड दिस डे विल बी सेलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे. तो उसके बाद से हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है, दैट इज व्हाई सो मच नॉट देयर इन द न्यूज. बट एग्जाम में आने का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा. 26th of November 1949, इट वॉज द डे वेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी, कंप्लीटली रेडी. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर आपका तैयार हो गया था 26th November 1949 को, बट इट वॉज एडॉप्टेड कंप्लीटली ऑन 26th of January 1950. दैट इज वाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26th of January 1950. गेटिंग माई पॉइंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एंड इट इज द बेस और पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. इंडियन डेमोक्रेसी का पिलर है वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है. नोबडी इज अबव कॉन्स्टिट्यूशन, नो गवर्नमेंट इज अबव कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वी आर अवेयर अबाउट इट. इन 2015 ऑन 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर, यूनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 26th of November इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस. Constitution, the formation of constitution was started on 9th of December 1946. 9th of December 1946 को start हुआ था. 26th of November 1949 the formation of constitution was completed. It took around 2 years, 11 month and 18 days. And expenditure was around 64 lakh. Around 64 lakh. Exact data was around 63,96,000. Yes, 63,96,729 rupees. It was the exact date. Around 64 lakh was the expenditure in the formation of constitution. Point clear हो गए? ठीक है, अभी याद हो गया. 2015 से start किया हमने celebrate करना, क्या? Constitution Day. ठीक है, संविधान दिवस. चलो answer बताओ अब जरा इनका. On which date Constituent Assembly adopted the Constitution of India? On which date Constituent Assembly adopted the Constitution of India? So correct answer is not this one. This was the Republic Day actually. This one, 26th of November 1949. A ho gaya iska answer. Theek hai? 26th of November 1949. This is the date when Constituent Assembly adopted the Constitution of India. इट वॉज इंप्लीमेंटेड. जब पूछता है आपसे इंप्लीमेंटेड देन योर आंसर इज 26th of January 1950. एडॉप्शन 49, इंप्लीमेंटेशन 50. गॉट माई पॉइंट? क्लियर. चलो नेक्स्ट है. ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया आर तिरंगा वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट? 22nd July 1947, Flag Day of India we celebrate every year on 22nd of July. 22nd of July 1947 was the date when the national flag was adopted by Constituent Assembly. 1947, before independence definitely, that is why we have hosted it on 15th of August 1947, right? On which date Constituent Assembly adopted the national anthem and national song of India? Very very important static data, but important questions. Yes, came in effect from 26th of January 1950. Perfect. Advertisement mere paas aa raha hai, aapke paas bhi aa jate hain beech mein suddenly. So correct answer hai 26th of January 1950. So Constituent Assembly adopted the national anthem and national song of India on 24th of January 1950. 24th of January 1950 was the last meeting of Constituent Assembly. So ye last meeting tha Constituent Assembly ka. After that Constituent Assembly was dissolved. Isko band kar diya gaya to Constituent Assembly ko. Same day
Dr. Rajen Prasad, who was the president of Constituent Assembly, was elected as the first president of India. तो भारत के पहले प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए 24th of January 1950 को. तो ये हो गए आपके पास पॉइंट्स क्विकली. Constituent Assembly adopted the constitution on 26th of November 1949. जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, implemented from 26th of January 1950. On 24th of January 1950, Constituent Assembly held its final session, last session. Constitution came in force from 26th of January 1950. Constituent Assembly have 11 session, 2 year, 11 month and 18 days. Around 63,96,729 रुपी. एग्जैक्ट डेटा लिखा था मैंने, देख लेना आप लोग, चेक कर लेना, मेमोरी अभी भी काम करती है सही से. अराउंड 64 लाख रुपी का एक्सपेंडिचर हुआ. सेम डेटा मैंने भी आपको बताया भी था. इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड. इट वॉज हैविंग 22 पार्ट, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स. एट प्रेजेंट देयर आर 12 शेड्यूल्स इनटू दिस. Constituent Assembly adopted the national flag on 26th of July 1947, 24th of January 1950. It was national anthem and national song was adopted by the Constituent Assembly. And 24th of January 1950, Dr. Rajen Prasad elected as the first President of India. So, ye ho gaya aapke paas sare ke sare point related to the formation and adoption of constitution. Interview वालों के लिए important है, static GK form में question आने के chance बने रहेंगे. RBI news से start करते हैं. News number one है काफी important and burning issue. That is dark pattern in the digital loans. Dark pattern in the digital loans. अभी क्या होता है सर dark pattern in digital loans, इसको समझते हैं. Maybe you guys even as a aspirant currently not working, maybe you guys are also receiving the call sometime that we are talking from this company. Are you looking for personal loan? Are you looking for jumbo loan? Jumbo loan offer is there on your name, sir. Do you want it? Sir, based on your profile, we are offering you credit card. And the person who received the call is saying, I am jobless. I have never earned a single penny. How based on my profile you can offer me the credit card facility? ऐसा होता है. एक बंदा जिसने लाइफ में काम नहीं किया, एक रुपए नहीं कमाया अभी तक, तैयारी कर रहा है वो, ठीक है कमाएगा सडनली, बट अभी तक तो नहीं कमाया, उसको कॉल पर बोलते हैं कि आपके प्रोफाइल पर आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर है, ले लो. बोलेगा मैं स्टूडेंट हूं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले लो. अरे क्यों ले लो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भाई, वो रिटर्न कहां से करेगा. सो डार्क पैटर्न द डिजिटल लोन्स इज मिसगाइडिंग टू द कस्टमर्स अबाउट द ईएमआई ऑप्शंस, about restructuring of the rate of interest, and with the support of this misguide, customers, companies are able to earn huge interest or impose very heavy interest on the customers. कभी कभी वो ऐसा बोलते हैं, पता है सर यू नीड लोन, वी आर ऑफरिंग लोन जस्ट एट 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट. मेरे पास आता है एक दो बार कॉल, सर वी आर ऑफरिंग लोन जस्ट एट 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ यू आर लुकिंग फॉर इट. तो मैं बोलता हूं 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स ईयरली 2%. No, no, sir. It is monthly 2%. 24% rate of interest. Are you mad? Means is this the way to share the information with the customer? These all things are dark pattern in the digital loan, which is a warning by the Reserve Bank of India that avoid it. So recently, all this data shared by M. Rajeshwar Rao, sir, Deputy Governor of Reserve Bank of India. Samajh mein aa raha hai point? Deputy Governor of Reserve Bank of India. So the term dark pattern refers to the design interface tactics that intentionally crafted to confuse, mislead customer into making the decision that they may not be in their best interest. In the context of digital loan, the tactic used to trap unsuspecting customers into the borrow to become a borrowing or to become a borrower at very high rate of interest. Customers को नहीं समझ में आता है और वो बहुत ज्यादा high rate of interest पर क्या कर लेते हैं, loan borrow करते हैं. This is not only problem for the customers, this is a problem to the financial system also. Why? If a customer borrowed loan for which that customer is not eligible, definitely that customer will not be able to pay it back. And it is going to increase the financial burden, NPA, for the financial sector. Right or wrong? So RBI बोल रहा है कि ये सिर्फ customer के लिए गड़बड़ नहीं है, वो loan return नहीं कर पाएगा,
तो पूरा का पूरा बैड लोन या एनपीए इंक्रीज होगा कहां पर, फाइनेंशियल सेक्टर में। सो फॉर दिस पर्पस आरबीआई क्या कर रहा है, फ्यू डेज बिफोर वी रेड अ न्यूज आरबीआई इंक्रीज्ड रिस्क वेटेज एसेट फॉर द पर्सनल लोन। आपने याद होगा तो आप लोगों ने सुना था आरबीआई ने पर्सनल लोन के लिए क्या इंक्रीज किया, रिस्क वेटेज एसेट। प्रीवियसली इट वॉज 100%, नो आरबीआई इंक्रीज इट टू 125%। मैंने एक्सप्लेन किया है दो तीन दिन पहले के न्यूज में, राइट, 22nd या 21st के टीएनए में आपको मिलेगा, 21st ऑफ नवंबर के। रिस्क वेटेज एसेट फॉर द क्रेडिट कार्ड, रिस्क वेटेज एसेट फॉर द क्रेडिट कार्ड, इसमें भी चेंजेस किए थे आरबीआई ने। फॉर द बैंक आरबीआई मेड इट 125%, एंड फॉर एनबीएफसी नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज और फिनटेक कंपनी 150%। तो ये जो स्टेप्स आरबीआई ले रहा है, दीज ऑल स्टेप्स आरबीआई इज टेकिंग टू कंट्रोल दीज टाइप्स ऑफ टैक्टिक्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम। आरबीआई ऑल्सो सेड, और मिस्टर डिप्यूटी गवर्नर ऑल्सो सेड, रॉ वार्निंग अगेंस्ट द डार्क पैटर्न सर्व एज अ स्टॉक रिमाइंडर टू विजिलेंस इन द डिजिटल एज। कि डिजिटल एज में आपको भी एज अ कस्टमर अवेयर रहना जरूरी है, एंड आरबीआई इज कंटिन्यूअसली वर्किंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर। तो ये था आपका ओवरऑल न्यूज, अ कंप्लीट डेटा रिगार्डिंग द डार्क पैटर्न इन द डिजिटल लोन्स। आई होप द स्टेटमेंट इज क्लियर, समझ में आया क्या, पॉइंट क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्रेडिट कार्ड के लिए 150% है, बैंक का 150, एनबीएफसी 125, बैंक 150, एनबीएफसी 125। नवीन आई थिंक इट इज ऑपोजिट, क्रेडिट कार्ड फॉर बैंक इट शुड बी 125 एंड फॉर एनबीएफसी इट शुड बी 150। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, बट एक बार आप चेक कर लेना अपने 21st वाले डीएनए में जाकर, देखो आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, मेरे दिमाग में वही है क्रेडिट कार्ड को लेकर भी, कि बैंक के लिए 125 है और एनबीएफसी के लिए 150 होना चाहिए। फिर भी अगर मैं गलत हूं तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, सो विल डिस्कस इट टुमारो अगेन, ठीक है, मैं भी एक बार चेक कर लूंगा। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व, अगला न्यूज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व सर्ज बाय 5.8 बिलियन एंड नाउ द फॉरेक्स रिजर्व इज 595 बिलियन। नाउ फाइनली वी केम बैक क्लोज टू 600 बिलियन, वापस 600 बिलियन के क्लोज आ रहे हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट ईयर वी वर एबल टू मैनेज इट मोर देन 600 बिलियन फॉर अराउंड द ईयर। दिस ईयर इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू टच इवन 600 बिलियन द ओवरऑल करेंसी रिजर्व और द फॉरेन करेंसी रिजर्व फॉर इंडिया। तो अभी फाइनली हम 600 के पास में पहुंच गए, 595 बिलियन का डेटा आ गया हमारा। तो फॉरेक्स रिजर्व जो है अभी इंडिया का करंट में कितना चल रहा है, सिंपल वन लाइन पॉइंट है, इट इज 595 बिलियन है। अर्लियर इट वॉज डिक्रीज टू 462 बिलियन, यहां तक आ गया था, देखो यार 462 बिलियन तक फॉल हो गया था, एंड नाउ इट केम बैक टू 595 बिलियन। सो 10th ऑफ नवंबर का डेटा है, 590 बिलियन इज द फॉरेक्स रिजर्व फॉर इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है रिटर्न में एज वेल एज इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है। पॉइंट क्लियर है यहां तक, सारे लोग एक बार चैट बॉक्स में सीसी लिख दें, सो आई विल बी एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन दैट ऑल ऑफ यू आर वेकिंग अलाइव, मतलब सब बढ़िया है और सेशन में एक्टिव है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरसीड मुंबई बेस्ड अभ्योदय कोऑपरेटिव बैंक फॉर 12 मंथ्स। समझते हैं न्यूज क्या बोल रहा है, मुंबई में एक अभ्योदय कोऑपरेटिव बैंक है, इस कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजमेंट आरबीआई ने अपने हाथों में ले लिया। मैं रिपीट कर देता हूं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, सो देयर इज अ बैंक, अ कोऑपरेटिव बैंक लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र, नेम इज अभ्योदय कोऑपरेटिव बैंक। दिस बैंक मैनेजमेंट हैज बीन टेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आरबीआई अपॉइंटेड अ कमेटी टू कंट्रोल द बैंक बिकॉज द बैंक वॉज अनएबल टू, और आरबीआई वॉज एबल टू फाइंड, आरबीआई हैव फाइंड that board of directors or the management team of bank was incapable. So RBI has taken over the management in their hand for the duration of next 12 month. अगले 12 महीने RBI का board इसको control करेगा, then RBI will decide for the future. RBI appointed Mr. Satya Prakash Pathak, former general manager of State Bank of India, as the administrator of the bank. So you can say that this person, Mr. Satya Prakash Pathak sir,
former general manager of State Bank of India appointed as the CMD of this bank for the next 12 months. अगले 12 महीने ये और इनकी कमेटी इसको क्या करेंगे, चलाएंगे बैंक को 12 महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए. सो तत्व प्रकाश पाठक सर appointed as the administrator of the bank for the next 12 months. Apart from that, the committee will also be keeping committee of the advisor Mr. Venkatesh Hegde, former general manager of State Bank of India, Mahendra Chajed sir, chartered accountant, Suhas Gokhale ji, former managing director of Cosmos Cooperative Bank. तो तीन members का committee भी है और सत्य प्रकाश sir is going to lead the organization. I hope the statement is clear. क्लियर, बढ़िया. आगे आ जाओ अगले पॉइंट की तरफ. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंपोज द मॉनेटरी पेनल्टी ऑन सिटी बैंक, बीओबी एंड आईयूबी. तो सिटी बैंक, बीओबी, आईयूबी के ऊपर फाइन इंपोज हुए. पहले अमाउंट फिर रीजन दोनों देख लेते हैं. सिटी बैंक के ऊपर फाइन है 5 करोड़, बीओबी 4.34 करोड़ रुपी एंड इंडियन ओवरसीज बैंक 1 करोड़ रुपी, 1 करोड़ रुपी. सो दीज आर द फाइन इंपोज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ऑल टूगेदर इट इज अराउंड 10.34 करोड़ रुपी फाइन आरबीआई इंपोज ऑन द बैंक. सो 5 करोड़ रुपी फाइन ऑन सिटी बैंक, नॉट ए स्मॉल अमाउंट, बिग अमाउंट सिटी बैंक कहने. सो 5 करोड़ रुपी फाइन इंपोज बाय द आरबीआई ऑन द सिटी बैंक एनए फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ नॉर्म्स रिलेटेड टू द डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड स्कीम एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑन आउटसोर्सिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड केवाईसी नॉर्म्स. आरबीआई सेड टू द बैंक दैट यू कैन नॉट आउटसोर्स केवाईसी नॉर्म फैसिलिटी दैट सम अदर कंपनी इज कलेक्टिंग द डेटा फॉर यू फॉर द केवाईसी पर्पस. दैट डेटा कैन बी, दैट डेटा कैन बी थेफ्ट इजिली बिकॉज सम अदर कंपनी इज होल्डिंग दैट डेटा एंड इट कैन बी मिसगाइडेड टू द बैंक. That wrong information can be shared with the bank. So you cannot outsource the KYC facility. Usko outsource nahi kar sakte. And DAF fund. So the bank have not followed the DAF fund properly. 5 crore rupee fine. Big fine. 4.34 crore rupee on Bank of Baroda. This is very important for the IBPS PO candidates. IBPS PO interview candidate. So 4.34 crore rupee fine on the Bank of Baroda for the violation of certain directions related to the creation of central repository on the common exposures and other. So big loan amount provided by, big loan amount that is above 5 crore rupee, any loan amount provided by the bank, that loan amount has to be shared, that information has to be shared with the Reserve Bank of India. BOB have missed a few cases in such type of loan and the fine of 4.34 crore rupee imposed on BOB. 1 crore rupee penalty on Indian Overseas Bank concerning related to the loan and advances. तो ये हो गया fine imposed. आगे आते हैं banking and financial news category में. अभी RBI news करवाया है मैंने, अभी banking and financial news category बचा है. First news is again very important for the interviews as well as for the written examination. All upcoming examination like RBI assistant, SBI, SBI associate, in all exam you can expect this question. DICGC, Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation of India, DICGC report witness drop in the insured amount and uninsured fund surge in the financial year 23. समझ लेते हैं क्या बोल रहा है. DICGC, which is a subsidiary of RBI, right? Full form होता है Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation of India. This is the organization. When you deposit your money in the bank, your deposits are insured by this company, DICGC. But one bank, one customer, up to 5 lakh rupees insured at max. Usse zyada insurance nahi deta DICGC. So RBI and DICGC always suggest that if you want, you can open multiple bank account in the different banks. One bank account and different banks, different type of bank account you can open. So each bank you will be able to get the deposit insurance limit of 5 lakh rupees. So for example, with me, I have 20 lakh. So according to RBI, I should deposit this 20 lakh rupee in 4 different banks. Mujhe 4 alag alag bank mein kya kar dena chahiye, paisa deposit kar dena chahiye. So my overall amount will be insured. But because there is a concept of bulk deposit, everyone heard about it, bulk deposit concept. For the
commercial bank, the bulk deposit limit is 2 crore rupee. For the RRB, recently it was increased from 15 lakh to 1 CR. In the bulk deposit, bank offer higher rate of interest. Even when you want to deposit 20 lakh rupee compared to 5 lakh, bank offer you higher rate of interest. Ki aapke deposit zyada samay ke liye hai, higher amount hai, we will offer you high rate of interest. So, customers to earn higher rate of interest started depositing more money in the single bank. When you deposit more money in the single bank, only your 5 lakh rupees insured, remaining amount is unsecured or uninsured. This is what happened in this financial year. So the ratio of insured deposit in the banking system is around 46%, 46.3%, came down from 49%. So 49% se girkar kitne par a gaya hai? 46.3% par a gaya hai aapka jo insured amount hai. Theek hai? And insured amount hai. That is above 5 lakh rupees the amount which is deposited. And uninsured amount is around 53.6%. So uninsured amount jo hai, wo aapka 53.6% hai, which is increased from 51%. Point clear hua? Yes or no? Fatafat se bataiye, point clear hai? Overall, DICGC clear hai? So Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation of India, DICGC. It is registered in the Act of 1961. Michael De Patra, sir, is the chairperson of the organization at present, who is the deputy governor of RBI, Mumbai, Maharashtra headquarters. It started in the year 1978. Next, ADB, Asian Development Bank. Agla news hai, ADB se related. Sir, it is applicable on the fixed deposit also. Yes, it is applicable on FD also, RD also, saving account also, current account also. All the accounts are insured. But up to 5 lakh rupee, all account together. One customer, one bank, only 5 lakh. इंटरव्यू वाले बैच में एक्सप्लेन करूंगा मैं फिर से इसको बहुत डिटेल में, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग इंटरव्यूज. एशियन डेवलपमेंट बैंक अनलीस्ड 170 मिलियन वेव टू ट्रांसफॉर्म द कोची वॉटर लैंडस्केप. सो रिसेंटली एडीबी ने एक और लोन अमाउंट इश्यू कर दिया इंडिया के लिए. वी रेड अबाउट द न्यू लोन अमाउंट ऑफ 125 मिलियन टू एलएनटी, राइट, फॉर प्रोवाइडिंग द लोन इन द रूरल एरिया स्पेशली टू द वुमेन एंटरप्रेनर्स. Now, $170 million loan provided by ADB Asian Development Bank to transform the Kochi water landscape in Kerala. So, Kochi ka jo water landscape hai, ya jo ports hai, unko better banane ke loan amount issue kiya ADB ne $170 million ka, abhi recently. ADB, Masad Sagua Sakavasar is the president, Bhargav Das Gupta VP hai, Tikoi Kunishi country director. Samir Kumar Khare, Executive Director, total members 68, started in the year 1966, Manila, Philippines headquarter. Morning mein bhi, apne matlab starting mein bhi revise kiya tha session ke, and again all, again we are revising it. So ADB approved $250 million loan recently. Dekho, main abhi revision nahi karwa raha hun point ke, kyunki I have less time to cover the remaining news. To ye sare point aap ek bar fir se revise kar lo, kahan se? PDF se. PDF will be available in the GA Genius Telegram group. To GA Genius jaakar search karna, Telegram mein aapko PDF mil jayega. GA Genius by Aditya sir, revise the point. They are extremely important for all upcoming examination. मैं आगे move कर रहा हूं. MasterCard and Yugaro, Yugro Capital join hand to support the small businesses in India. So MasterCard and one company called Yugaro Capital, which is actually dealing with the MSME working in the agriculture sector. जो micro, small, medium enterprises, farmer और agriculture sector से, agriculture allied activities में काम कर रहे होते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करता है यूगैरो कैपिटल. सो दिस यू ग्रो कैपिटल इज अ कंपनी विच इज स्पेशलाइज्ड इन एमएसएमई फाइनेंसिंग. दिस कंपनी कोलैबोरेटेड विद मास्टर कार्ड फॉर सपोर्टिंग और फाइनेंसिंग स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया. मास्टर कार्ड सीईओ इज मिस्टर माइकल मायबैक. सचिन मेहरा सर इज सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. राजा रमनन इज द CMO, चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर, एंड न्यूयॉर्क इज द हेडक्वार्टर. इन इंडिया विल टॉक अबाउट MSME. आउट ऑफ 64 मिलियन MSME इन इंडिया, ओनली 14% हैव एक्सेस ऑफ क्रेडिट, रिमेनिंग आर रनिंग विदाउट क्रेडिट फैसिलिटी, विदाउट लोन फैसिलिटी. तो काफी बड़ा मार्केट अवेलेबल है फॉर द MSME लेंडिंग. दैट इज वाई almost daily you are able to listen that this company collaborated with this company for the purpose of MSME lending. So, abhi recently collaboration hua hai MasterCard ka Yugro Capital ke saath mein. Appointments par aate hain. Bandhan Bank approved reappointment of Chandrasekhar Ghosh
एज द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3 years. अगले 3 सालों के लिए रीअपॉइंटमेंट कर दिया है चंद्रशेखर घोष जी का ऑन द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑन द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर. तो कोलकाता बेस्ड आपका बैंक है बंधन बैंक, इट इज अ प्राइवेट बैंक. 2015 वॉज द ईयर वेन लास्ट टाइम टू प्राइवेट बैंक स्टार्टेड इन इंडिया, वन वॉज IDFC, वन वॉज बंधन बैंक. IDFC नाउ कन्वर्टेड टू IDFC फर्स्ट बैंक एंड बंधन बैंक इज वर्किंग फाइन. सो बंधन बैंक ने अभी चंद्रशेखर घोष का रीअपॉइंटमेंट जो है उसको अप्रूव कर दिया है फॉर द पोजिशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर ड्यूरेशन ऑफ नेक्स्ट 3 years. नेक्स्ट है मिस्टर रॉबर्ट अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक्यू के हाई कमिश्नर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं. मोजाम्बिक्यू के हाई कमिश्नर रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं मिस्टर रॉबर्ट सेकिनटोंग, ऐसा कुछ नाम है इनका, सेटकिनटोंग. सो मिस्टर सेटकिनटोंग, रॉबर्ट सेटकिनटोंग अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक्यू. ही वॉज सर्विंग एज द रिपब्लिक ऑफ ही वॉज सर्विंग एज द इंडिया एम्बेसडर टू इथियोपिया till 2020, from 2020 till now, and now he will be leading as the ambassador of India to the Republic of Mozambique. Capital is ka Mopato and Misel is the currency. Portuguese is the official language of Mozambique. तो ये एक आपका अपॉइंटमेंट था. नेशनल इंटरनेशनल स्टेडियम न्यूज, 3-4 ही न्यूज है, डोंट वरी, बहुत टाइम पर मैं कंप्लीट करवा दूंगा इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स. अगले 2-3 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा आपका. फर्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल न्यूज, इंडिया यूरोपियन यूनियन साइंड MOU ऑन द सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर के ऊपर इंडिया और यूरोपियन यूनियन का MOU साइन हुआ है. बोथ विल बी वर्किंग टुगेदर फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन एंड द बिजनेस, बिकॉज सेमीकंडक्टर आर द प्रोडक्ट विच आर इन ह्यूज डिमांड एंड इंडिया इज ट्राइंग फ्रॉम लॉन्ग बैक टू इंक्रीज द प्रोडक्शन और to implement make in India in the category of semiconductor. That is why India have launched PLI scheme, Production Link Incentive Scheme, in the year to December 2021 in the category of semiconductor display fab ecosystem with the amount of 76,000 crore. So PLI, Production Link Incentive, in the category of semiconductor is 76,000 crore rupees. Yaad rakhenge. Second day, India European Union ne abhi recently MOU sign kiya hai for the purpose of boosting this sector. India became the chairperson of International Sugar Organization in 24 to lead the global sugar sector. India will take charge as the chairperson of International Sugar Organization, काफी important data, for the year 2024. India is the largest consumer and producer of sugar in the world. In the last sugar year, in the last sugar production year, India became the largest producer of sugar in the world. ये data आया था हमारे पास. During 63rd council meeting, ISO headquartered in London, it is announced that India will chair the organization in the year 2024. So ये जो आपका International Sugar Organization है, it is an intergovernmental organization that was found according to the International Sugar Agreement of 1968, established in the year 1968, headquarters located in London, United Kingdom. Chairperson is India for the year 2024. India chairperson hoga 2024 ke liye. India emerged as the world largest producer, consumer of the sugar in the world and the second largest exporter after China. चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है, किसका, शुगर का. एक क्वेश्चन और आ जाता है रिटन एग्जामिनेशन में, दैट शुगर ईयर. सो अकॉर्डिंग टू द शुगर ईयर ऑफ इंडिया इज अक्टूबर टू सितंबर. तो ये अक्टूबर से सितंबर आपका शुगर ईयर चलता है हर बार का. एज ऑफ नाउ वी हैव द डेटा ऑफ लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब इस बार सितंबर तक का डेटा अभी नहीं है. It will take around few more months that we will be getting exact data regarding this, ki humko pura exact data isse related mil jaye. As per the last available data, 35 lakh metric ton was the production made by India. Aate hain defense news ke taraf. Dekho, do cheeze hoti hain. One, a place which is the producer in term of the area. एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे
In India, Chhattisgarh is known as the rice bowl of India. Correct? But the largest producer of rice, if you will search, you will be able to find West Bengal. Ki West Bengal sabse bada producer hai. So why we call Chhattisgarh? Because as per the area, maximum production and cultivation of rice they are doing there. ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग. तो इसीलिए क्यूबा को भी कहा जाता है. पॉइंट क्लियर है, आगे आ जाइए. इंडो नेपाल जॉइंट मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइज सूर्य किरण दैट इज 17 बिगेन इन पिथौरगढ़ उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ डिफेंस एक्सरसाइज दैट इज कॉल्ड सूर्य किरण इज द डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन नेपाल आर्मी एंड इंडियन आर्मी. तो नेपाल आर्मी इंडियन आर्मी के बीच में डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ है, नाम है सूर्यकरण. उत्तराखंड में डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ है 24th ऑफ नवंबर से 7th ऑफ दिसंबर इसको कंडक्ट किया गया. इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट 9th एडिशन ऑफ नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज एट वंदीनार गुजरात. सो वांडीनार गुजरात में कंडक्ट हुआ है 9th एडिशन का नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज दैट इज कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको कंडक्ट किया. डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इज मिस्टर राकेश पाल हु इज द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया. अवार्ड्स के एक तो न्यूज है आपके पास. ओड इज द मूवी विच इज अवार्डेड एज द बेस्ट फिल्म एट 75 क्रिएटिंग माइंड्स फॉर टुमारो एट 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विच इज कंडक्टेड इन गोवा. हमको पता है कि गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी आपका चल रहा है, राइट? सो इन द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा रिसेंटली ओड मूवी हैज बीन ऑनर्ड एज द बेस्ट मूवी बाय 75 क्रिएटिव माइंड्स फॉर टुमारो. नागेश दरक सर वॉज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी. ये मूवी का वो है 2018 की मूवी है, पुरानी है. ओड मूवी को अभी रिसेंटली क्या किया गया, ऑनर किया गया. REC दैट इज REC लिमिटेड अ महारत्ना कंपनी रिसेंटली ऑनर्ड विथ बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर द पॉलिसी डायवर्सिटी. कैन यू क्विकली राइट डाउन द नंबर ऑफ महारत्न नवरत्न एंड मिनी रत्न कंपनीज इन इंडिया. सिर्फ नंबर्स लिख दो, बहुत दिनों से हमने रिवाइज नहीं किया है. कितने महारत्न है, कितने नवरत्न, कितने मिनी रत्न है अभी करंट में इंडिया में, फटाफट डेटा लिखिए जाए चैटबॉक्स में. सो REC लिमिटेड अ महारत्न कंपनी रिसेंटली ऑनर्ड विच इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिसेंटली ऑनर्ड विद द बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर पॉलिसी इन डायवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड एट 4th डायवर्सिटी इंक्लूजन अवार्ड कॉन्क्लेव कंडक्टेड बाय एसोचैम. तो ये ऑनर दिया है किसने, एसोचैम ने, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. सो एसोचैम ने ये ऑनर किया है. प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम इज मिस्टर अजय सिंह. 1920 में ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड बाय निरंजन हीरा नंदानी, डॉक्टर निरंजन हीरा नंदानी. इन्होंने स्टार्ट किया था एसोचैम को. इन्होंने अभी रिसेंटली ऑनर किया है REC लिमिटेड को. हाँ भाई, कितने हैं हमारे पास, चलो एक एक करके लिख लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं महारत्न कंपनीज कितने इंडिया के पास. टोटल नंबर ऑफ महारत्न कंपनीज आर देयर इन इंडिया. टोटल महारत्न कंपनीज कितने इंडिया में, 13 हो. थर्टीन नवरत्नास आर 16, टू न्यू एडेड रिसेंटली. नवरत्ना हो गए आपके 16, टू न्यू एडेड रिसेंटली. एंड मिनी रत्ना जो है आपके पास वो है टोटल 59, राइट? 69 सॉरी नॉट 59 69 नवरत्ना मिनी रत्नास. तो 69 मिनी रत्ना, 13 महारत्ना, 16 नवरत्ना, टू न्यू नवरत्नास एडेड रिसेंटली. So, REC Limited, formerly known as Rural Electrification Corporation Limited, headquarter New Delhi है. विवेक कुमार देवगन सर इज द चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लास्ट न्यूज है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन ऑब्जर्व ऑन 25th ऑफ नवंबर. तो 25th ऑफ नवंबर को ऑब्जर्व होता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन. सो दिस वॉज द डन फ्रॉम माई साइड गाइज. पर्सनलाइज इंटरव्यू बैच ऑफ NIACLEO इज गोइंग वेल. You guys can also join it today to go through with the Wednesday से हम इसमें mock interviews भी start कर देंगे from this Wednesday. So attend the mock interview on time. Join it today by using the code Aditya. Code Aditya will be helpful to get the maximum discount on the all board courses. I hope that now your TNA back to the track. अभी आप लोगों को थोड़ा satisfaction होगा कि हाँ वापस track पर है और daily survey आ रहे हैं और हमारे news भी अब time पर cover हो रहा है. So guys, it will be continue.
all with your support only. So please support your Daily Current Affairs show. Inform your friends. They can also join us from tomorrow onwards for the Daily Current Affairs morning 8 o'clock. कंटेंट थोड़ा सा शेयर कर दिया अगर उनके साथ कि देखो कंटेंट पढ़ के देख लो वर्थ लगता है तो कल से आओ. चलो सो आई विल बी मीटिंग यू बैक इन द नेक्स्ट सेशन सून गाइस. टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग ऑल द बोर्ड. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन लाइव ऑन टाइम. जय हिंद. बेस्ट ऑफ लक.